सब गाइस वेलकम बैक टू अवेट चैनल सोहेल सफी ब्लॉग। सो इस वाले ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ जन्माष्टमी महोत्सव मेले को जो कि लगा हुआ है जनकपुरी में। एंड मैं यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये मेला कब तक चलने वाला है, टिकट का प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हो और अंदर की साइड में किस तरीके से झूले मिलने वाले हैं, शॉपिंग के लिए क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि आने से पहले आपको यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं मेले की लोकेशन के बारे में। सामने साइड में आप ये वाला जो ग्राउंड दिख रहे हो वह है रामलीला ग्राउंड जनकपुरी का। आप गूगल मैप पे सर्च करोगे दशहरा ग्राउंड जनकपुरी तो आपको इजीली मिल जाएगा। और बाहर की साइड में इस साइड में सामने की साइड में ही है भारती कॉलेज जो कि आप देख रहे हो, ये सामने की साइड में कॉलेज है। और मेले का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है दाबरी मोड जनकपुरी साउथ का। तो बात करते हैं मेले की टाइमिंग्स के बारे में। सो मेले की जो टाइमिंग्स है इवनिंग के 5 बजे से रात के 11 बजे तक है और ये मेला वो चलने वाला है 10 सितंबर तक। सो अब बात करते हैं पार्किंग के प्राइस के बारे में। सो 2-व्हीलर का पार्किंग का चार्ज है 20 रुपये का और 4-व्हीलर का है 50 रुपये का। हमें लेने पड़ेगी मेले की टिकट जो कि है 20 रुपये की। 20 रुपये की एंट्री की टिकट है, जो झूले और उसका प्राइस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सो ले लिया टिकट और 3 साल से जो कम की एज के हैं उनकी एंट्रियाँ फ्री है, मतलब बच्चे हैं उनकी एंट्री फ्री है। सो जस्ट एंट्रेंस के बाद इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। इस साइड में शॉपिंग के स्टॉल हैं और फूड का स्टॉल है जो कि मैं आपको ये करके सब दिखा देता हूँ शॉपिंग में क्या है और फूड में क्या है। इसी के साथ सामने साइड में आप देख रहे हो इस साइड में सारे झूले भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉपिंग स्टॉल स्टार्ट होते हैं जो कि इस साइड में देख रहे हो। यहाँ पे सारे सूट हैं इस तरीके से देखो, जो कि पूछते हैं भाई से, भाई ये मतलब कहाँ के हैं सूट? चंडीगढ़ के। अच्छा कितने से स्टार्टिंग है? 1200 से स्टार्टिंग है। 1200 से स्टार्टिंग होने वाली है। चंडीगढ़ के ये सूट रहने वाले हैं जो कि आप इस तरीके से देख रहे हो। ये सारे डिजाइन हैं। सो नेक्स्ट स्टॉल हमें इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि ओम ज्वेलरी धमाका सेल 20 रुपये में। 20 रुपये में आपको यहाँ पे आइटम मिलने वाला है काफी ज्यादा, जो कि इस तरीके से देख रहे हो। ये सारे क्लेचर हैं जो कि मतलब लेडीज गर्ल्स के लिए होते हैं और ये बच्चों के लिए इस तरीके से देखो हेयर बैंड है, नहीं हेयर बैंड नहीं है सॉरी क्लेचर है ये भी। और इस साइड में देखो मतलब सारे क्लेचर ही मिलने वाले हैं इस तरीके से 20 रुपये में मिल रहे हैं, कोई सा भी ले लो। और नेक्स्ट स्टॉल यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो है दुर्गा सिंधी माउथ फ्रेशनर। मतलब आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइटम मिलने वाला है जो कि ये सारे देखो ये सब माउथ फ्रेशनर्स हैं और प्राइस इनका लिखा हुआ है जो कि देख रहे हो इस तरीके से है 200। सबका प्राइस लिखा हुआ है, जैसे इसका लिखा हुआ है यहाँ पे 90। मतलब हिंगोली मिलने वाली हैं और सब कुछ मिलने वाला है, अचार वगैरह ये सब मिलने वाला है जो कि देखो ये सब गोलियाँ हैं, ये भी 70 रुपये में है। इस तरीके से देखो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है सारा आइटम, ये माउथ फ्रेशनर वगैरह। एंड इस साइड में देखो ये नमक पारे वगैरह हैं, नमकीन वगैरह हैं, क्योंकि इनके प्राइस भी आप देख सकते हो बहुत ही सस्ते में है। ये सारी नमकीनें हैं 60 रुपये में, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे सामने ही साइड में देखो यहाँ पर भी सेल लगी हुई है 20 रुपये में। 20 रुपये में आप कोई सा भी आइटम ले लो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइटम है क्योंकि 20 रुपये में कुछ भी है ना। अच्छा देखो ये सब मतलब सब मिलने वाले हैं इस तरीके से। देखो हेयर बैंड जो कि 50-50, 100-100 के मिलते हैं यहाँ पे 20 रुपये मिल रहे हैं। और ये सारे क्लेचर्स हैं जो कि देखो यूनिक डिज़ाइंस के हैं, कलर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं। और इस साइड में आप देख सकते हो कि देखो मतलब इस साइड में ये नेल पॉलिश वगैरह मिलने वाली हैं, स्पिनर मिलने वाले हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ पे 20 रुपये में। तो और नेक्स्ट स्टॉप हमें जो देखने को मिलती है वो है यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो, मतलब ये वाला स्टॉल लगा हुआ है जो कि शॉपिंग के लिए है। ये सारे हैंडमेड आइटम मिलने वाले हैं जो कि घर में डेली यूज़ होने वाले होते हैं, जैसे कि ये देखो डाइनिंग टेबल बनाई हुई है, ये चेयर है और काफ़ी कुछ है जो कि मतलब सारा सामान जो बनाया हुआ है सारा लकड़ियों से बनाया हुआ है, जो कि देखो सामने साइड में देख रहे हो साइकिल है, तोप है और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। सो इस साइड से आप ये सब परचेज कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये भी तोप काफ़ी प्यारी लग रही है, वाओ। भाई देखो इस तरीके से ये है साइकिल, बहुत ही बढ़िया है, क्या बात है। और इस साइड में देखो इस साइड में भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है, जो कि ये सारा सामान बना हुआ है ना मतलब सारा लकड़ियों से ही बना हुआ है और यूनिक डिज़ाइन है जो कि इस तरीके से देखो, ये देखो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और सामने देखो झूला है और यहाँ पे सामने की साइड में देख रहे हो इस साइड में ये लाइटिंग्स हैं जो कि पूछते हैं किस लिए होती हैं। भाई ये लाइटिंग्स किस लिए होती हैं? धूप के लिए, खुशबू के लिए। अच्छा खुशबू के लिए हैं, इस तरीके से हैं। क्या प्राइस है इनका स्टार्टिंग से? अच्छा 200 से स्टार्टिंग है और 500 तक मिलने वाली है मैक्सिमम, जो कि देखो इस तरीके से हैं, खुशबू के लिए होती हैं ये लाइटिंग्स, वाओ। और यहाँ पे सामने ही साइड में स्टॉल लगा हुआ है जो कि इस साइड में देख रहे हो ये फ्लावर के पॉट्स मिलने वाले हैं, जो कि देखो काफ़ी यूनिक तरीके से हैं, बड़े स्पेस में भी हैं, मतलब बड़े साइज के भी मिलने वाले हैं इस तरीके से। कितने से स्टार्टिंग है? कितने से स्टार्टिंग है? 60 रुपये में। अच्छा ये मतलब इस तरीके से छोटे फ्लावर पॉट्स हैं जो कि इसका क्या है? 50 का एक है। अच्छा ये 50 का एक है,
मतलब स्टार्टिंग होने वाली है 50 रुपये से। और नेक्स्ट स्टॉल यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है एक्सपोर्ट ब्रांडेड लेदर शूज़ मिलने वाले हैं। सेल आप सामने से देख सकते हो, जो कि 3,500 वाले 600 में मिलने वाले हैं। जो कि और देखो यहाँ पे नीचे एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है जो कि हाईलाइट में है, चमड़ा ना होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना। मतलब ये आपको लगता है कि ये मतलब चमड़े में नहीं है तो आप चेक करा सकते हो, अगर चमड़ा नहीं निकला तो मतलब 10,000 रुपये का वो मिलेगा प्राइस। और यहाँ पे सामने की साइड में देख रहे हो, यहाँ पे आपको मिलने वाला है हैंडमेड आइटम जो कि मतलब घर में डेकोरेशन के लिए होता है और यूज़ वाला भी होता है, जो कि सही देख रहे हो ये दीप के लिए हैं और ये भगवान जी की मतलब मूर्तियाँ हैं और सामने की साइड में कप हैं। और देखो ये भी इस तरीके से काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है जो कि सारा ये हैंडमेड है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं देखने में ही। इस तरीके से देखो, यानी देखो घर में मतलब डेकोरेशन के लिए काफ़ी बेस्ट हैं ये इस तरीके से। वाओ बहुत ही कुछ है यहाँ पर सब। और अंदर की साइड में यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्मोक वेफर्स और स्मोक बिस्किट, जो कि बता दूँ मैं प्राइस क्या है। भाई प्राइस क्या है स्मोक वेफर्स का और बिस्किट का? 50 का है, कुछ भी ले लो, मतलब वेफर्स या फिर बिस्किट कुछ भी ले सकते हो 50 रुपये में स्मोक वाले, मतलब खाने के बाद धुआं छोड़ सकते हो आप। और यहाँ पर भी आपको मतलब मिलने वाली है इयर रिंग्स, देखो इस तरीके से शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको मिलने वाली है बिहार की साड़ियाँ जो कि भागलपुर की बता रहे हैं। और यहाँ पे मतलब आपको मिलने वाला है काफ़ी इजी सामान कर देता है, मतलब आपको जो घर में होने वाली जो ड्रेस देख सकते हो, डिशवार बर्तन टाइल साफ करने के लिए, जो कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से सब कुछ मिलने वाला है। ये देखो घर में साफ करने के लिए है एंड इस तरीके से देख रहे हो हॉट लाइफ छोटा तंदूर, मतलब तंदूर बना सकते हो उस पर, छोटा तंदूर मिलने वाला है। और इस तरीके से देखो ये भी मिलने वाली है जो कि नल में लगाने के लिए पानी फैलता नहीं है, ये भी काफ़ी बढ़िया है 50 रुपये की एक ही। एंड साइड में देखो और भी काफ़ी कुछ आइटम है जो कि इस तरीके से देखो ये भी है टंकी के लिए। और ये देखो बचपन में मतलब बॉल से खेला करते थे ना वही हैं जो कि मतलब मोटी हो जाती हैं डालने के बाद, इस तरीके से ही। और यहाँ पे ये शॉपिंग के लिए मिलने वाला है, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिलने वाली है शॉपिंग के लिए, जो कि होने वाले हैं चड्डा दिल्ली वाले, जो कि मतलब आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा इनका स्टॉल हर जगह लगता है। जो कि इस तरीके से देखो यहाँ पे ये इयर रिंग्स हैं जो कि मतलब अगर नॉर्मली आप बाहर से खरीदोगे तो 200-300 में मिलते हैं, यहाँ पर आपको 100 रुपये में मिलने वाला है। शॉपिंग के लिए मिलने वाली है मेगामाइट की प्लेट, जो कि इस तरीके से दिख रही है, ये सारी मेगामाइट की हैं और ये प्लेट्स वगैरह हैं, मतलब चाय सर्व करने के लिए ये सब प्लेट हैं। और इस साइड में देखो ये खाने वाने के लिए प्लेट्स हैं और कटोरी वटोरी, मतलब सब यहाँ पे मिलने वाला है आपको शॉपिंग के लिए। और इस वाले स्टॉल पर आपको मिलने वाला है शॉपिंग के लिए जो कि आप देख रहे हो, मतलब मूर्तियाँ मिलने वाली है भगवान जी की इस तरीके से देखो, वाह बहुत ही प्यारी प्यारी है। सो ये कुछ इस तरीके से शॉपिंग का एरिया था, इस साइड से आप शॉपिंग कर सकते हो। और शॉपिंग के बाद अब मैं आपको फूड दिखाता हूँ, उसके बाद गेमिंग जोन दिखाता हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा झूले वगैरह। सो यहाँ पे फूड में सबसे पहले यहाँ पे ड्रिंक है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे बार में आ गया हूँ मैं। सो यहाँ पे एंट्री करते हैं और एंट्री के बाद देखो यहाँ पे मतलब आप जूस पी सकते हो जो कि काफ़ी फ्लेवर्स के होने वाले हैं। भाई कितने से स्टार्टिंग है जूस की? 100 से स्टार्टिंग होने वाली है और फ्लेवर आपको मतलब सारे मिलने वाले हैं जो कि इस तरीके से दिख रहे हो, ये सारे फ्लेवर्स हैं। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है चुस्की, इस तरीके से देखो चुस्की मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे ड्रिंक्स मिलने वाली है जो कि एक तरह से मतलब बोलते हैं कि कंचे वाली होती हैं, शिकंजी की तरह। एंड इस साइड में भी चुस्की है और यहाँ पे सामने साइड से आप चाइनीज़ फूड खा सकते हो जो कि देख रहे हो मोमोज हैं, पनीर मोमोज हैं, स्प्रिंग रोल है, चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज और मंचूरियन आपको इस साइड में मिलने वाला है। एंड देन इसी के पास में यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे है कैंटीन जो कि यहाँ पे मिलने वाला है आपको छोले भटूरे, जो कि इस तरीके से ये स्टॉल है। और इस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पे फ्रकनी मिलने वाली है और देखो ये मतलब बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी आइटम है शॉपिंग के लिए, मतलब खिलौने वगैरह हैं। और इस साइड में है स्वीट कैंडी और इसी के पास में यहाँ पे सॉफ्टी है, सॉफ्टी का जो प्राइस है वो बताता हूँ। भाई सॉफ्टी कितने से स्टार्टिंग है अंगली? 40। फ्लेवर कौन कौन से? चॉकलेट वनीला दोनों मिक्स, चॉकलेट वनीला और दोनों मिक्स करवा सकते हो अपने हिसाब से। और इसी के पास में देखो यहाँ पे मिलने वाली है ड्रिंक, मतलब जूस मिलने वाला है जो कि ऑरेंज और लीची का होने वाला है। कितने रुपये मिलने वाला है जूस? 30 रुपये का। अच्छा 30 रुपये में 30 रुपये ग्लास मिलने वाला है। और इसी के पास में यहाँ पे है भेलपूरी जो कि आप इस साइड से भेलपूरी बनवा सकते हो। भेलपूरी कितने में भाई? 50। अच्छा 50 रुपये में भेलपूरी बना के देंगे आपको।
और इसी के पास में यहाँ पर है स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी आप इस साइड से खा सकते हो। तो स्वीट कॉर्न कितने रुपए में भाई? 50 रुपए में स्वीट कॉर्न इस साइड में 50 रुपए मिलने वाली है। और इसी के पास में यहाँ पे देख रहे हो ये है बॉम्बे अड्डा, जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है पाव भाजी और दाबेली, बड़ा पाव, बर्गर, आलू भुजिया, मतलब आलू टिक्की है। सो ये सब आपको मिलने वाला है खाने के लिए। और यहाँ पे एक और स्टॉल है जिसपे यहाँ पर भी आपको छोले भटूरे और चाउमीन मिलने वाली है। तो चाउमीन की प्लेट कितने की है? चाउमीन की 50 रुपए की है और छोले भटूरे की 70 रुपए की है। ठीक है जी। और इसी के पास में यहाँ पे आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस साइड से ले सकते हो। और इसी के सामने साइड में देख रहे हो यहाँ पे है ठंडा लस्सी, लस्सी आपको मिलने वाली है जो कि इस तरीके से है। और यहाँ पे देखो सैंडविच लग रहे हैं, ये कहाँ के सैंडविच है? मूंग दाल का सैंडविच है। अच्छा, मूंग दाल के सैंडविच है। कितने रुपए में? 50 रुपए में आप मूंग दाल के सैंडविच खा सकते हो। और इस तरीके से देखो ये और भी कुछ है यहाँ पर, अपने हिसाब से बनवा सकते हो जो भी आपको खाना हो। सो अब मैं आपको यहाँ का गेमिंग जोन दिखा देता हूँ, जो कि इस साइड से स्टार्टिंग होता है, जो कि 50 रुपए में एक बॉल मिलने वाली है। और एक बॉल में आपको ये 6 के 6 ग्लास गिराने हैं, एंड देन इसको आप गिरा दोगे तो इसके बाद आपको मिलेगा 200 रुपए का इनाम। यहाँ पे नेक्स्ट गेम जो होने वाली है वो होने वाली है रिंग वाली, जो कि पूछते हैं कितने रुपए में कितनी रिंग है, कितनी रिंग है कितने रुपए में? 50 की 6। अच्छा 50 की 6 है। उसके बाद आपको मतलब आइटम के अंदर आप डाल देते हो तो वो आइटम आपका हो जाता है, चाहे आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट गेम इस तरीके से मिलने वाला है, जो कि ये बॉल वाला होने वाला है। आपको बॉल मतलब नंबर के हिसाब से डालनी है, 50 रुपए में मिलने वाला है पूरा, मतलब टोकरी मिलने वाली है 50 रुपए में। और उसके बाद आपको सामने साइड में ये नंबर निकालना है, अगर आप ये नंबर कोई से में से निकाल लेते हो 6 के 6 बॉलों में, तो आपको इसमें से कोई सा भी आइटम मिल सकता है मतलब नंबर के हिसाब से। यहाँ पे सामने की साइड में ये है शूटिंग रेंज, जो कि मतलब आपको 10 शॉट मिलने वाला है 100 रुपए में। और यहाँ पे नेक्स्ट शूटिंग रेंज है, जो कि देख रहे हो इस तरीके से है, मतलब आपको आइटम के ऊपर शूट करना है, जो कि 100 रुपए में आपको 6 शॉट मिलने वाले हैं, मतलब 6 शॉट मिलने वाले हैं। और कोई सा भी आइटम यहाँ पे निकाल सकते हो आप निशाना लगाकर। और यहाँ पे सामने की साइड में नेक्स्ट स्टॉल लगा हुआ है, जो कि इस साइड में आपको मिलने वाला है पान, जो कि फायर पान फेमस होता है। वैसे काफ़ी तरीके के यहाँ पे पान होते हैं, जो कि देख रहे हो इस तरीके से, ये सारे तरीके के यहाँ पे पान है, जो कि प्राइस बता दूँ मैं किस तरीके से है। पान कितने रुपए में? 30 से स्टार्टिंग है। और फायर पान 50 का होगा ना? अच्छा 50 का, स्मोक 80 का है, मतलब अपने हिसाब से बनवा सकते हो जिस तरीके से भी आप खाना चाहते हो, तो अलग अलग प्राइस देने वाले हैं। और यहाँ पे सामने की साइड में स्टेज बनाया हुआ है, जो कि इस साइड में शो होने वाले हैं। तो सबसे पहले झूले में हमें जो देखने को मिलता है वो सामने साइड में देख रही है ड्रैगन ट्रेन, जो कि बच्चों के लिए काफी बेस्ट रहती है, फैमिली भी इसमें बैठ सकती है। तो बता दो मैं टिकट कितने का है, टिकट कितने का भाई इसका? 70 रुपए का। अच्छा 70 रुपए का इसका टिकट है, क्योंकि इस तरीके से इसमें राउंड राउंड घुमाया जाता है। यहाँ का जो सेकंड झूला है वो कि इस तरीके से देख रहे हो आप, ये है कोलंबस, जो कि सबसे बड़ा यहाँ का झूला है और काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है। और इसका जो टिकट है वो 100 रुपये का है, 100 रुपये में आप इसमें एंजॉय कर सकते हो और रिएक्शंस काफ़ी बढ़िया आते हैं, और मतलब एंजॉय कर सकते हो। झूला जो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वो है, जो कि सामने साइड में देख रही है कोलंबस, और काफी बड़ी कोलंबस है इस तरीके से। ये बोर्ड स्विंग है, इसका जो टिकट है वो है 100 रुपए का, जो कि आप देख रहे हो वहाँ पे टिकट काउंटर है, 100 रुपए का इसका टिकट है। और 100 रुपए में आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो, मतलब अपना एक्सपीरियंस दे सकते हो किस तरीके से इसमें मजे आते हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा झूला होने वाला है इस तरीके से देख रहे हो, ये है ब्रेक डांस, जो कि इस तरीके से है। टिकट प्राइस पूछते हैं कितने रुपए का, कितने रुपए टिकट है इसका? 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए का इसका टिकट है, और मतलब काफ़ी मज़ा आता है इसमें इस तरीके से ही। और सामने की साइड में यहाँ पर है ड्रैगन ट्रेन, जो कि इस तरीके से है, इसका टिकट भी 100 रुपए का है, 100 रुपए में आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हो और राइड कर सकते हो ड्रैगन ट्रेन की। और यहाँ पे सामने की साइड में है भूत बंगला, जिसका टिकट है 80 रुपए का। भूतों का एक्सपीरियंस लेना है तो आप इसके अंदर जा सकते हो 80 रुपए में ओनली। और यहाँ पे सामने की साइड में इस साइड में देख रहे हो, ये है मिक्की माउस, जिसका टिकट 80 रुपए था, मतलब अब सस्ता हो गया है, 60 रुपए हो गया है। तो 60 रुपए में इसमें इंजॉय कर सकते हैं बच्चे, जो कि इस तरीके से देख रहे हो बच्चे काफी इसमें इंजॉय भी कर रहे हैं, जो कि मतलब जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है ना कुछ भी, मतलब जब तक इंजॉय करना चाहते करो बच्चों।
क्या बात है, इस तरीके से ही मिक्की माउस। यहाँ पे सामने साइड में देख रहे हो बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, इसका 50 रुपीज का टिकट है और 50 रुपीज में बच्चे इसमें इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने की साइड में आपको मिलने वाला है बच्चों के लिए इस तरीके से डक राइड वाला झूला है जिसका 50 रुपए का टिकट है। तो यहाँ पर सामने की साइड में बच्चों के लिए एक और झूला है जो कि 50 रुपए का इसका टिकट है, मतलब कार ड्राइव कर सकते हो, कार वाला झूला है इस तरीके से। और नेक्स्ट झूला यहाँ पे जो मैं देखने को मिलने वाला है जो कि है रोलिंग टावर, इस तरीके से देखो मतलब रोल करते करते ही जाता है और काफी इसमें मतलब मजा आता है, पूरा मतलब व्यू दिख जाता है आपको पूरे मेले का, इसमें एंजॉय कर सकते हो आप इसमें 100 रुपए में। और बच्चों के लिए यहाँ पे इस तरीके से देखो बोटिंग है जो कि पैंडल्स जो कि हाथ से चलाने पड़ते हैं और इसका भी टिकट 50 रुपए का है, मतलब बोटिंग कर सकते हैं बच्चे इस तरीके से इसमें। और इस तरीके से देखो बच्चों के लिए वाली भी ट्रेन है, इसका भी टिकट 50 रुपए का है, इस तरीके से चलती है 50 रुपए में 7 राउंड घुमाते हैं। सो दैट्स इट फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि दिल्ली एनसीआर में घूमने की बेस्ट प्लेसेस के बारे में, बेस्ट लोकेशंस के बारे में मैं इस चैनल पे बताता रहता हूँ। एंड अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, वहाँ पे आप डीएम करके पूछ सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें और डीएम करके वहाँ पे मतलब पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।